डीटीएन के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। समाचारों के इस प्रवाह में सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 67वां जन्मदिन मनाया दाहोद के लीलगढ़ा में। जी हां, दिल्ली से विशेष तौर पर जन्मदिन मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीलगढ़ा और वन बंधु कल्याण योजना के तहत दाहोद वासियों को बांटी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दाहोद मोह या दाहोद के प्रति विशेष लगाव किसी से अछूता नहीं है, हर कोई इस बारे में जानता है। और अभी हाल ही में अपने 67वें जन्मदिवस को मनाने दिल्ली से दौड़े चले आए मोदी दाहोद, जिसके चलते एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का दाहोद के प्रति मोह हुआ उजागर। अपने 67वें जन्मदिवस के चलते लीलगढ़ा में आयोजित उद्घोषणा समारोह के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दाहोद और दाहोद वासियों के विकास के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन। वन बंधु कल्याण योजना के तहत आदिवासी बाहुल्य दाहोद जिले के आदिवासियों को, किसानों को पीने का पानी व सिंचाई का पानी मुहैया हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की योजनाओं का किया उद्घाटन। या यूं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद वासियों को अपने जन्मदिन के चलते बांटी सौगात, तो वहीं लाखों की संख्या में उपस्थित दाहोद वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 67वें जन्मदिवस के चलते मोदी जी को दी शुभकामनाएं और बधाइयां। लीलगढ़ा में आयोजित उद्घोषणा समारोह के तहत गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी पूर्वक किया गया स्वागत। अनाज बताता हूँ
Thank you.
दिल्ली में चार चार सरकार बनी अपने एक बार को बदनाम करने के लिए जे कावड़ी सदा सर्वोपेक्षा है देश भर पर गरीब ना माते एमा प्रवेश ना बीमा महानगर पालिका नगर पालिका नगर पालिका
आखी इतना ये गुरु कारण है।
આપણી
आपने मनु स्वागत करी सम्मान करू आपका आशीर्वाद आपका प्रेम आपको आप और मैं को लोग को आभार व्यक्त करू छू गुजरात सरकार का आभार व्यक्त करू छू અને ગુજરાત વિકાસની નવી ઊંચાઈઓને પ્રાપ્ત કરતું રહે અને ગુજરાત સમગ્ર દેશ ને પોતાની માટે સમગ્ર દેશ ને માટે કઈ રીતે કઈ સત્તા રાજ્ય તરીકે હંમેશા અવલ નંબર રહે એવી શુભકામનાઓ સાથે આપ સૌ લોકો रहने वाला विस्तार यानी कि एमजी रोड और इस एमजी रोड पर देर रात को कुछ दुकानों के टूटे ताले और दाहोद में मची सनसनी। दिन भर अति व्यस्त रहने वाला दाहोद का विस्तार एमजी रोड, देर रात को एक दुकान में दुकान के ऊपरी भाग से एक लोहे के दरवाजे को ऊपर उठाकर बखोला करके चोर दुकान में दाखिल हुए, दुकान के सर सामान को अस्त व्यस्त किया, चुनिंदा सामान को उठाया, साथ ही दुकान में रखे हुए कैश आदि को लेकर चोर हुए फरार। इसके अलावा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दुकान के आसपास की दुकान के भी ताले टूटे और वहां भी चोरों ने चोरी की और हुए फरार। जब सवेरे दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में पहुंचे तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी दुकान में हुई है चोरी। इस बात की इतला पुलिस को दी गई और पुलिस में लिखाई गई फरियाद और पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही ली हाथ में। दाहोद नाइट्स क्लब द्वारा अभी हाल ही में कुछ विशेष शिक्षकों का उनके विशेष काम को देखते हुए विशेष तौर पर किया गया सम्मान। दाहोद की गरबाड़ा चौकड़ी स्थित मारुति होटल में अभी हाल ही में लायंस क्लब द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके तहत दाहोद के विविध शिक्षकों को जिन्होंने शिक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अपना अच्छा योगदान दिया है ऐसे चुनिंदा शिक्षकों का सम्मान किया गया। उन्हें शाल आदि उड़ाई गई, मोमेंटो भी दिए गए और इस मौके पर लायंस क्लब के पदाधिकारी तथा अन्य मेंबर्स भी रहे मौजूद। दाहोद के पड़ाव रोड स्थित श्री सत्यनारायण देव के मंदिर में अभी हाल ही में गडरिया समाज द्वारा एक धार्मिक कार्यक्रम को उत्सव के तौर पर मनाया गया।